मेरी पहली हुल के शूट पे मैं वैसे मेरे माँ बाप मुझे खेलने नहीं देते थे बचपन में, बिकॉज मेरे माँ बाप डरते थे कि इसके नो बिकॉज कलर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, लाइक कुछ हर्बल नहीं होते बिकॉज यहाँ पे हम हर्बल यूज़ कर रहे हैं, तो इसलिए बेझिझक बिना किसी झिझक के मैं खेल पा रहा हूँ। एंड अदरवाइज कहीं ना कहीं पहले मेरे मन में बचपन में डर बैठा होता था, बट आई फील फॉर्चुनेट इनफ, ब्लेस्ड इनफ कि मुझे ये मौका मिला कि शूटिंग के जरिए, इस फील्ड के जरिए, इस इंडस्ट्री के जरिए, इस टीवी के माध्यम के जरिए मैं कुछ ऐसे पल जी पाता हूँ जो मैं प्रॉपरली जी नहीं सका था, क्योंकि बिकॉज ऑफ की फियर होता है, जैसे कि उसमें होली है एंड दिवाली हम मनाते हैं, बाकी सारे त्यौहार मनाते हैं, लेकिन होली में थोड़ी झिझक थी। सो आई एम ब्लेस्ड एंड आई एम थैंकफुल टू दिस टीवी इंडस्ट्री फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू सेलिब्रेट दीज काइंड ऑफ फेस्टिवल्स हियर ऑन सेट। आई टोल्ड यू मतलब कि हम लोग देखिए बहुत ही सिंपल सी होली मनाते हैं, ये तो बहुत ग्रैंड है एंड आई फील तभी ऊपर वाले ने मुझे 27 साल की होली एक साथ खेलने को दे दी। सो या अच्छा आपका फेवरेट होली फूड कौन सा है? होली फूड देखिए हम लोग लस्सी पीते हैं, लस्सी कुछ लोग देखिए भांग वांग का इस्तेमाल तो मैं नहीं करता किसी भी नशीली चीज़ों का, बट एनीवेज बहुत लोग भांग भी पीते हैं होली के इस दिन त्यौहार पर, बट वी प्रेफर लाइक ईटिंग फूड विद फैमिली। सब लोगों की छुट्टी होती है तो घर पे, बिकॉज बट दो साल से तीन साल से यहाँ पे हूँ बॉम्बे, तो मैं जा नहीं पाता, लेकिन पिछली होली मैंने अपने घर पे खेली थी, थोड़ी नॉट बड़ी बट या और घर पे बैठ के हम सब लोगों ने खाना खाया था, बिकॉज मेरे पापा भी जॉब करते हैं तो हम यूजुअली घर पे ज़्यादा लंच नहीं कर पाते, तो उस दिन हमने बैठ के ब्रेकफास्ट भी किया, लंच भी किया, डिनर तो करते हैं, बट अच्छा लगता है जब परिवार पूरा एक साथ बैठा होता था। मेरी होली मेमोरी यही है, ये जो शो है मेरा एंड इससे बड़ी ब्लेसिंग्स और इससे अच्छी खुशी क्या हो सकती है कि मुझे अपने परिवार वालों के साथ, दादा, नानी, ताया जी, ताई जी, माँ, मेरी बहनें, मेरा छोटा सा भाई प्रिंस एंड हमारे डायरेक्टर्स एंड एवरीबॉडी इन द क्रू इन डायरेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू टू मेकअप टीम एवरीबॉडी इज़ यू नो इज़ टुगेदर, इससे ज़्यादा खुशी की बात कुछ नहीं हो सकती। अच्छा कभी ऐसा हुआ है कि किसी पर आपने बलून फेंका हो जो होली में हम बलून फेंकते हैं? और हाँ, मैं क्या करता था, मैं जब बोला ना आपको कि होली बहुत छुप छुप के खेलता था, हाँ। तो हमारी बैल्कनी हुआ करती थी एक, तो बैल्कनी पे मेरे मम्मा मुझे बहुत सारे बलून्स फुला कर देते थे, तो मारता था जो भी आता था, बट और बहुत वहाँ से निकलते थे कोई और उस पर आ रहा है, मोटरसाइकिल पर आ रहा है, गुब्बारा मारा। अच्छा फेवरेट होली कलर कौन सा है? मेरा फेवरेट होली कलर आई गेस येलो। ओके, और येलो के अलावा अगर कुछ बोले तो? येलो के अलावा बोलूँ तो बिकॉज येलो क्या होता है ना, बहुत ब्राइट कलर है एंड आई लाइक ब्राइट कलर्स, सो आई फील कि कहीं ना कहीं येलो जो है वो बहुत ही हैप्पीनेस क्रिएट करता है, फैलाता है और खुशियाँ और फ्रीडम, पीस। मुझे नहीं पता कि पीस का क्या बाकी थे कि पीस का कलर वाइट होता है, आई नो, बट वो मेरे रेफरेंस से मैं बता रहा हूँ कि मुझे क्यों अच्छा लगता है, बिकॉज कहीं ना कहीं हमें कुछ कलर्स, कुछ चीज़ें वाइब देती हैं अच्छी, तो इसलिए हम उनकी तरफ आकर्षित होते हैं, तो इसलिए येलो मुझे बहुत अच्छा लगा, बिकॉज अभी मैं जब खेल भी रहा हूँ तो देखिए येलो में शक्ल भी दिखती है, पिंक में उसमें शक्ल ख़राब हो जाती है, बट येलो में आप और खूबसूरत दिखते हैं। Happy Holi to all of you guys in advance and may God bless you with a lot of success and happiness. Upar wala kare ki aap sukhi rahein, khush rahein, lambe samay tak jiyein and hame aise hi pyar dete rahein and bhale hi ye show ko ho ya aage show ko ho, because aap pyar dete hain to hum tak pahunchta zarur hai and wo jo pyar milta hai uski wajah se hum jeete hain, raat ko so paate hain, kha paate hain, so yeah, stay safe and apne rishton ko rangon ki tarah rakhein, sunehre bahut sare, so aap bhi aise hi rangeen rahein, प्यारे रहें, सुंदर रहें, बाय।